नहीं, इस चीज की नहीं, आप नहीं जाएंगे सरकार के पास। क्यों नहीं जाएंगे? हजारों आशियाने एक झटके में ध्वस्त हो जाएंगे। अवैध निर्माण के जिम्मेदारों पर कार्रवाई करेगा कौन? शाहबेरी के निर्दोष निवेशकों का दर्द सुनेगा कौन? कमजोर बनाई है, जो हमारे जैसे वहां लोग रहते हैं, हमें दुख है कि अगर कल के दिन हादसा होगा, कल भी हम सरकार के पास जाएंगे, लेकिन नहीं, आप नहीं जाएंगे सरकार के पास। क्यों नहीं जाएंगे? नहीं, इस चीज की नहीं, आप नहीं जाएंगे सरकार के पास। क्यों नहीं जाएंगे? आपको अगर आप बोलते हो कि टेक्निकली आप अपने रिस्क पे रहिए, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पहले चेताए। मैंने देखा ऐसा, मेरी बिल्डिंग गिरी थी, गाजियाबाद में गिरी थी। आप ये खुल के बोल दो कि बिल्डिंग गिरेगी, मेरा परिवार गिरेगा, हम गवर्नमेंट के पास नहीं जाएंगे। पुरानी बिल्डिंगों को बॉम्बे में, दिल्ली में पहले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जाके वार्न कर देती है कि छोड़ दो, ये सरकारें ऐसी थी, ये तो देश को कभी चाइना को दे दिया, कभी पाकिस्तान को दे दिया, ये तो बढ़िया किया ये गवर्नमेंट ने। आपके सोचिए, पीढ़ी दर पीढ़ी जो परिवार आ रही है उसको बचाने के लिए। आपसे मैं सिंपैथी रखता हूं, कच्चे लालच में हमारे बायर कम पढ़े लिखे होते हैं, कानून उतना नहीं होता था। इसमें ठगारी किसने की है? बिल्डर्स की सबसे पहले गलती है, उनके ऊपर तभी एनएसए लग रहा है, और उसके साथ साथ उनके ऊपर जो गैंगस्टर एक्ट लगा है, मैं स्वागत करता हूं। आप जाके देखिए उन बिल्डिंगों में, मैं डिबेट में था जब गाजियाबाद में गिरी थी, जिसकी फैमिली मर गई, आप वैसा ही देखना चाहते हो क्या? सर एक मिनट, मेरी बात सुनिए। नहीं, आप एक बात बताइए। नहीं, आप गलत बोल रहे हैं, आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। आप ऊंची आवाज करके मतवाना चाह रहे हैं। आप बिजली नहीं देंगे, गलत चीजों के लिए आप गवर्नमेंट आपको अभी वार्न कर रही है, गवर्नमेंट आपको परमिशन देगी कि आपके लॉस की भरपाई कैसी हो, लेकिन आपके जीवन के साथ एक ऐसी गवर्नमेंट जो संवेदनशील वर्कर्स है वो जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं करती है। आप कच्चे लालच में मत आइए, आप कच्चे लालच में मत आइए। आपने हमें कच्चा लालच किस विषय पे आपने कहा मैं कच्चा लालच कर रहा हूं? एक सेकंड सर, यहाँ लड़ना नहीं है, यहाँ पर आराम से एक एक करके बात कर सकती है। आप आराम से भी बात कर सकते हैं, आप आराम से भी बात कर सकते हैं। जैसे लोग रहते थे जब बिल्डिंग गिर गई सर, पिछले साल ही है, बात सुनिए, आप सुनिए मेरी बात, एक मिनट नहीं सुनेंगे, नहीं सुनोगे, क्यों नहीं सुनोगे? हम लोग मर गए, आप तो मर गए, उनके बलुआ जी, एक मिनट आप चली जाओ, कितने परिवार साबरी में रहते हैं? हमने प्रॉपर रजिस्ट्री करवाई, हमने वहाँ पे प्रॉपर बिजली का कनेक्शन लिए, हमने सारी कानूनी प्रक्रिया पूरी की। ठीक है, बताइए हमें, ठीक है, बस ठीक है, बस 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 ठीक है, ठीक है, हिम्मत नहीं है आपकी, ठीक है, एक सेकंड, क्या आप लिख के बता रहे हैं? बताइए, मैं बता रहा हूँ, आप बताइए क्या लिख के दे रहे हैं? गवर्नमेंट को लिख के दे दीजिए, आप इतना गुस्से में क्यों बात कर रहे हैं? पहली बात तो ये, और बिल्डिंग गिर गई, आराम से बात कीजिए ना, आराम से बात कीजिए ना, देखिए पैसे लिख के दे रहे हैं, पैसे लिए हैं, और हमने मकान फ्री में नहीं दिए, हमने पैसों में घर के रजिस्ट्री करवाई है, हमने रजिस्ट्री करवाई है, तो हो हमने रजिस्ट्री किया, हमने रजिस्ट्री करा रही है, कोई अपराध हो रहा था उसके अपराधी वही लोग हैं, क्यों रजिस्ट्री किया हमने, क्यों रजिस्ट्री करने दिया? एक सेकंड, ठीक है, आप चिल्ला कर बात करेंगे ना किसी को समझ में आएगा, आप चिल्लाएंगे कौन सा ज्यादा चिल्लाएंगे,
मिश्रा जी एक सेकंड मैं कुछ कह रहा हूँ ना सर, मैं कुछ कह रहा हूँ, मेरे सुनेंगे ना सर, मैं कुछ कह रहा हूँ, मेरे सुनेंगे ना आप हमारी सर। एक सेकंड दो लोग एक सेकंड रुक जाइए सर। एके मिश्रा जी यहाँ दंगल नहीं लड़ना है सर, बड़े आराम से बात रखिए, लोग सुन रहे हैं, चिल्ला के बात रखेंगे, आपकी आवाज ठीक तरीके से आएगी नहीं, फटेगी, लोगों को समझ में आएगा नहीं। आधे घंटे आप यहाँ चिल्लाएंगे कोई फायदा होगा नहीं आपके बोलने का, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आएगा। आप चिल्लाएंगे सामने वाला आपसे तेज चिल्ला सकता है, कोई फायदा नहीं होगा सर। आराम से पानी पी लीजिए, कूल होकर बात करेंगे ताकि लोगों को समझ में आए आप क्या कह रहे हैं, निवेशक क्या। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं एक सेकंड चिल्ला, आप चिल्लाएंगे भी तो उससे भी कोई फायदा नहीं है ना, मित्रों के वही बात आप आराम से कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कुछ बोलिए मत, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, एक सेकंड मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कुछ बोलिए मत, आप लोग आराम से एक एक करके अपनी बात रख सकते हैं। आपने सर बोल लिया, आप अपनी बात रखिए, जब एक कोई टोकेगा नहीं, कोई टोका टाकी नहीं होगी, कोई टोका टाकी नहीं होगी, कोई टोका टाकी नहीं होगी। पूरी बात अपने आप रखिए, फिर आप रखिए, उसके बाद आप रख लीजिएगा। पहले आप जुलाई 2018 को वहां एक बिल्डिंग गिरी, उसमें 9 लोगों की जान गई, हमारे परिवार के वो सदस्य हैं, क्योंकि हम सावेरी से हैं, हमें दुख हमारा है, ही परिवार हमें दुख है सर, हम तो वहां रहते हैं और हमारे बीच के वो लोग थे, तो हमसे ज्यादा दुख शायद आपको नहीं हो सकता, बातों से दुख नहीं होता सर। आप अपने देश के नागरिक हैं, अपने देखो सर, देश के नागरिक सुन लीजिए मिश्रा जी, आपको मैं सावेरी की पृष्ठभूमि बता देता हूँ, आपको पूरी जानकारी सावेरी की नहीं है, तभी आप कह रहे हैं कि आप लिख के दे दीजिए और वो कर दीजिए। ठीक है, जल्दी बात पूरी कीजिए अपनी। जब 17 जुलाई 2018 को वहां पर एक बिल्डिंग गिरी, उसमें हमारे परिवार के 9 सदस्य मरे, हमें उस चीज का बहुत दुख है, उस बिल्डर ने बहुत गलत माल लगाया जिसकी वजह से वो बिल्डिंग गिरी, बिल्डर की गलती थी। आज योगी जी ने बिल्डरों पे कार्रवाई की, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन 10 साल से सावेरी बन रहा है और आज वहां पे 225,000 लोग रहते हैं और 25,000 परिवार है। आप कह रहे हैं ना, मैं आपको कैलकुलेशन बता देता हूँ, 25,000 परिवार और 225,000 लोग उन बिल्डिंगों में रहता है। प्राधिकरण ने 10 साल में एक बार भी आकर नहीं जाका कि वहां पर बिल्डिंग, वही तो बोल रहे हैं मिश्रा जी, सुन लीजिए प्लीज, सुन लीजिए मिश्रा जी, रिक्वेस्ट है आपसे, आप सुन लीजिए एक पहले आप सुन लीजिए पूरी बात, आपकी बात हम भी सुनेंगे, जल्दी से आइए ना। इससे क्या मतलब, प्राधिकरण ने 10 साल में प्राधिकरण ने कोई एक्शन नहीं लिया, एक साल पहले बिल्डिंग गिरी, उसके बाद प्राधिकरण नहीं चेका है। अब एक्शन ले रही है तो क्यों रोक, कौन सा एक्शन ले रही है, कौन सा एक्शन बिल्डिंगें गिरा रही है ना, नहीं बिल्डिंगों को कागजी कार्रवाई ऑफिस में बैठ के बिल्डिंग नहीं गिराई जाती। आपने 400 त्यागी, आप क्या कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं, एक सेकंड अधिकारी, एक सेकंड मुकुल त्यागी, मुकुल त्यागी आप क्या कह रहे हैं, मेरा आप जहाँ रहते हैं आपने किसी से जांच करवाई है कि वो बिल्डिंग का मटेरियल, बिल्कुल हमने वो बिल्डिंग, हमारे बिल्डर ने जिसने मुझे मकान बनाकर दिया, अच्छा। उसने उसकी वहां पे तीन वही बिल्डिंग सुरक्षित, आपने IIT से जांच करवाई है, IIT से जांच नहीं करवाई है, योगी जी ने IIT की टीम के लिए उन्होंने बोला, उसमें हमारा ये कहना है क्योंकि वो प्राधिकरण के वो जांच ना करवाए, नहीं करवाइए, बिल्कुल करवाइए, सारी बिल्डिंगों की जांच करवाइए, लेकिन हमें प्राधिकरण की जांच पर भरोसा नहीं है, हमारी कमेटी के 2 सदस्य उस जांच टीम में शामिल होने चाहिए। वैलिड आपका पॉइंट है, ये मैं सरकार से आपके फेवर में बोल सकता हूं, 2 रिप्रेजेंटेटिव आपका रखे, आप हमेशा रहिए, आपका हम मांग करते हैं खुद की हमारे से चेक करवाइए, लेकिन ठीक है, लेकिन क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज मत करिए, ठीक है। ओपी सागर जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उपाध्याय जी आते हैं आपके पास, एक सेकंड, आपने अपना सुना लिया, आप हमारी भी सुन लो, बोलिए। जिस टाइम से बिल्डिंग गिरी है, प्राधिकरण प्रशासन, 2 चीज आप पॉइंट नोट लेना, प्राधिकरण प्रशासन हमारा खबर लेने आया, आज के टाइम में, इस टाइम जो अभी का समय है, इस टाइम का यह पॉइंट उठ रहा है कि हमारा रोड और पानी निकलने का व्यवस्था नहीं है। आप बिल्डिंगें कमजोर की बात कर रहे हो, बिल्डिंगें कमजोर होंगी जब पानी निकलने का व्यवस्था, खुद ही मान रहे हैं, ठीक है, इसी पॉइंट पर लौटते हैं, ठीक है, ओपी सागर जी भी है मेरे पास, एक सेकंड, ठीक है सर, एक सेकंड, आप लोग क्या लड़ेंगे, उससे कुछ फायदा नहीं है ना सर, आप लोग लड़ेंगे,
आप लोग लड़ेंगे कोई फायदा नहीं है सर। कुल प्लेन इलाका आप लोग लड़ेंगे कोई फायदा नहीं है सर। आप लोग तेज आवाज में बात करेंगे कोई फायदा नहीं है। एक सेकंड, ओपी सागर जी मेरे साथ हैं, पूर्व आईपीएस हैं। ओपी सागर जी आप सुन रहे होंगे क्या कुछ इसमें सिर्फ वायर्स गलत है क्योंकि अभी इतना शर्मा जी ने कहा है कि वहां की सारी बिल्डिंगें तोड़ देनी चाहिए। मैं कह रहा हूं तोड़ देनी चाहिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। परेशानी सारी इस चीज की है कि हमारा कोई जो आपने कहा भी कि हमारे लिए कौन सोच रहा है। नहीं भाई सवाल तो मैंने सबसे पहले पूछा था इंदु जी सर, आप भाई सवाल तो सबसे पहले इंदु जी से पूछा था मैंने। आपसे सिंपैथी है, सिंपैथी रखने से कुछ नहीं होता। मैं उसका तरीका भी बता रहा हूं, सिंपैथी रखने से मैं उसका तरीका बता रहा हूं। सही सही मैं भी आपको बता रहा हूं। आप सरकार को तरीका बताइए सर, सरकार को कोई तरीका बताओ सर। मैं बता रहा हूं ना सर, मैं बता रहा हूं। इसमें तीन विभाग लिखते हैं, सबसे पहले तो बिल्डर, उसके बाद बिजली पानी देने वाला विभाग, ग्रेटर नोएडा की जो अथॉरिटी है। कार्रवाई तीनों पे होनी चाहिए, इसमें तीनों को मिला के ये कंपनसेशन दिया जाए, जिन्होंने पैसा लगाया विद इंटरेस्ट उनको वापस दिया जाए। बिल्डिंगें गिरे, गिरने के बाद नए मानक के हिसाब से बिल्डिंग बने, गवर्नमेंट रेगुलराइज करिए। आप शिफ्ट होइए बॉम्बे में, जैसे कोई झोपड़पट्टी एरिया को खरीद लेता है तो दो साल के बाद बिल्डिंग बन जाती है, लेकिन उनको शिफ्ट कर देते हैं कंपनसेट करके। सरकार सोच रही है या नहीं, बड़ा सवाल ये, ये सरकार के एजेंडे में है या नहीं, वही तो सवाल है। आप ये रास्ता इसी पॉइंट पर हम लौटते हैं, ये सरकार के एजेंडे में है। पॉइंट्स दीपक जी ने कहे हैं, आप बोलिए उपाध्याय जी, फिर इन दोनों पॉइंट पर अनिल जी से जवाब लूंगा। बोलिए सर, सबसे बड़ी बात थैंक यू वेरी मच जो आपने इतना हमारे विषय में सोचा। शायद मेरे ख्याल से अभी तक कोई ऐसा ओपिनियन नहीं आया था जो आपने आज कहा है। सबसे बड़ी बात कि सर बैंकर अगर पैसा नहीं देंगे तो सैलरी पैसे वाले बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करने जाएंगे, अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। पता ये वैलिड पॉइंट है आपका, रिकवरी कैसे हो ये वैलिड पॉइंट है सर। दूसरी बात, पता चला 20,000-25,000 आदमी सैलरी पा रहा है, कच्चा लालच मिल जाता है एक जगह पे। मैं एग्री कर रहा हूँ, वही चीज़ अगर सैलरी में से सोचता है कि 15,000 रुपए में सपोज लो रेंट दे रहा हूँ और अगर 18,000 रुपए मुझे अगर देकर अपना मकान मिल जा रहा है तो हमें अपना छत मिल जा रहा है। बिल्कुल ये निवेशक का, ये हमारा सोच है। हमारी परेशानी यही है कि हमें आपकी हाई राइज का फायदा उठाते हैं ये बिल्डर्स। हाई राइज में मैं ले नहीं सकता और लोएस्ट लेवल में आया तो वहां पे रजिस्ट्री हो रही है, बैंक फाइनेंस कर रहा है, सारी सुविधाएं हमें एज इट इज वही मिल रही है। तो हमें लगा कि सब कुछ अगर बैंक फाइनेंस नहीं कर रहा है, अगर रजिस्ट्री नहीं हो रहा है अवैध है। अगर रजिस्ट्री दे रहा है और बैंक फाइनेंस कर रहा है इसका मतलब ये वैध है। वही सारी पूरी बात मेरी सुनिए, उसके बाद अगर ये पूरी बात सुनिए उनकी क्या गलती है। बोलिए। जब सर बैंक फाइनेंस कर रहा है, रजिस्ट्री हो रही है, हमें वहां पे बिजली मिल रहा है, पानी मिल रहा है, पानी मिल रहा है, हर एक चीज है, हम किस जगह पे अवैध है? अवैध एक जगह पे आप कह रहे हो मुझे सर, अवैध अगर मेरे पास 5 रुपए है, मैं सामान खरीदने जा रहा हूं, 5 रुपए मेरे पास है, मैं सामान खरीदने जा रहा हूं, अगर उस सामान को मना कर दिया जाए कि आपको 5 रुपए में मिल रहा है, ये गलत है, इसे मत लेना, तो शायद मैं ना लूं। लेकिन अगर मार्केट में मिल रहा है 5 रुपए में मुझे सामान और वो सामान मेरे घर के यूज का है तो मैं डेफिनेटली लूंगा। बिल्कुल, आपका पॉइंट वैलिड है, जिम्मेदारी बनती है कि आपका पॉइंट वैलिड है। अब मैं आपको बताता हूं होता क्या है, ये पूरा मार्केटिंग का एक नेक्सस है, एक नेटवर्क है। आपके जान से किसी के सर क्या उस टाइम आप लोग इस नेक्सस को नहीं देख रहे थे? आज यहाँ बैठ कर डिबेट आप कर रहे हो, सुन लीजिए ना, क्या आपको जानकारी नहीं थी? ये नेक्सस पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, जाकर कहां कैसा निर्माण हो रहा है थोड़ी ना चेक करेंगे सर। की बात कर रहे हैं सर, मैं कहां पर कैसा निर्माण हो रहा है, कौन क्या खेल कर रहा है, पॉलिटिकल एक्सपर्ट जाकर थोड़ी चेक करेगा। आपको ऐसे लोग ठगते हैं, ठगते कैसे हैं? सबसे पहले गवर्नमेंट में जो भ्रष्ट इम्प्लाई है, डेवलपमेंट अथॉरिटी के, बिजली विभाग के, इन सब के, उसके बाद क्या है जो इंजीनियर वगैरह बैंकिंग सेक्टर के, वो ठीक है, वो सर सबको बताया। पॉइंट पर आइए कि अनिरुद्ध शर्मा, इनकी पार्टी, इनकी सरकार इन लोगों के लिए अब क्या सोच रही है, क्या करेगी, कैसे इन निवेशकों को, गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, उन सारे लोगों को चैन में ऊपर से नीचे तक रिकवरी करें, इन लोगों का दर्द आप कैसे दूर करेंगे? देखिए निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इनके साथ है, इनके दर्द को समझती है। हम तो 2022 में सभी को आवाज देने तो का किसी नेता ने ये क्यों नहीं बोला कि हम आप निश्चिंत रहिए, आपकी पाई पाई रिकवरी करवा के बैंक इंटरेस्ट के ऐसा साथ कुछ भी अभी आया नहीं। लोगों को देंगे कृष्णा जी, योगी जी ने बोला है, बोला है कि पाली के विषय पर ये बात आई थी और पूरी
जब ये विषय इस प्रकार का उठा तो विषय आम्रपाली के बारे में उठा, और मैं समझता हूं ये हमारी एक सोच है, एक हमारी दृष्टि है। जिन निवेशकों के साथ अन्याय हुआ है उनको मैं समझता हूं योगी सरकार राहत देगी, विचार कर रही है। और दीपक जी ने सुझाव तो बहुत अच्छे दिए, और दीपक जी ने कहा हाल होगा जेल में डालकर। अरे जेल में डालने का काम शुरू तो कर दिया, राशु का लगा दी, कानून के हिसाब से वो जेल में जाएंगे, वो जेल में जाएंगे। कायदे से तो अनिरुद्ध शर्मा जी जिनकी मिली भगत से, जिनकी मिली भगत से, जिन अधिकारियों की मिली भगत से उनके भी उनके ऊपर भी उनको जेल में डालिए, उनके भी जेल में डालिए। छेत्री की भाग के लोगों को एक है मिश्रा जी, आप देखिए क्षेत्र का विधायक और सांसद तो प्रतिनिधि होते हैं, उनको तो दर्द और दुख और दर्द पता होने चाहिए। हमारे क्षेत्र के विधायक और सांसद 13वां दिन हमारे आज आंदोलन का है, जो हम अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं, हमसे को मिलने तक नहीं। अरे सर जब मुख्यमंत्री खुद ले रहे हैं, लखनऊ में स्पेशल बैठक।